होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी रजनीश चंद की अध्यक्षता में महानगर में शांति सद्भावना समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद ने जनपद वासियों से कहा कि होली पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में आपसी मेल मिलाप एवं सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाएं। प्रशासन त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु पूरी तत्पर है। शांति व्यवस्था में खलल पैदा करने वालों की खैर नहीं होगी। बैठक में शांति समिति के सदस्य अब्दुल्ला, दुर्गेश बजाद और अन्य सदस्यों ने भी अपने पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए संपन्न कराने के लिए अपने सुझाव भी दिए, जिस पर एडीएम सिटी ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली के मौके पर विद्युत और जल आपूर्ति अनवरत जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बेहतर साफ सफाई व्यवस्था रहेगी। उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया है कि नाले नालियों से निकलने वाले मलबों को अविलंब हटा दिया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि चिकित्सीय व्यवस्था बेहतर रखें तथा स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी कर्मचारी अपने तैनाती स्थल पर मौजूद रहें। उन्होंने ये भी बताया कि होली पर्व के अवसर पर शराब की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, कंट्रोल रूम निरंतर क्रियाशील रहेगा, असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन्हें उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संवेदनशील और अति संवेदनशील गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने थानावार शांति समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश भी दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विनय सिंह ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की पर्याप्त मात्रा व्यवस्थित रहेगी तथा असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम होली में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएगा। बैठक में एसपी साउथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी, उप जिलाधिकारी सदर राहुल पांडे, एसीएम दिनेश सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। उनका कहना था कि 13-14 तारीख तक हम सारा काम अब कम्प्लीट कर नहीं रहे हैं। अरे बोली आ रहा तो मेरा पूरा प्रॉपर शटडाउन ले नहीं पा रहे हैं, तो नहीं लगेगा नहीं काम है नहीं अंदर न हो हम लोगों का। ये बताइए कि आप लोग पुराना आ रहे हो उसको कर ही नहीं पा रहे हैं। 10 दिन होली को सकुशल संपन्न कराने का, तो होली के संदर्भ में हम लोग बात करना चाहते हैं कुछ मशवरा। जुमा दिन पड़ गई शुक्रवार, तो जुमा के दिन 12 बजे से मस्जिदों में हम लोग जाना शुरू कर देते हैं। 12 बजे मस्जिद के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे में इस बार अगर जो होली का रंग अभी तो जरूरी नहीं कि सायरन 1 बजे ही बजता है, बीच में होली का रंग कोई फेंक दे, रास्ते में 10 नमाजी जा रहे हैं, ऐसे में शांति समिति के सभी मेंबरों की जिम्मेदारी है कि मोहल्लेवार थानेवार आप जहां रहते हैं जहां निवास करते हैं अपने क्षेत्र में एक माहौल बनाइए कि हमारे जो भी इस मुल्क के भाई हिंदू है, हमारे बड़े भाई हम मुस्लिम छोटे भाई, तो हम लोग ऐसा मिलजुल कर माहौल बनाए कि जुमा की नमाज भी अदा हो जाए और होली का जुलूस भी सकुशल निकले। तब तो वह बुरा फेंकती थी और वो बुरा नहीं मानते थे, जब वो बीमार पड़ गई तो देखने गए। ये है, हमें इस बात की फिक्र करनी है कि सफेद कुर्ते पे दाग लग गया तो प्यार का दाग है पांडे जी, ठीक है। तो हम लोग जो है अपने इलाकों में इस पर कोशिश करेंगे। इमाम चौक पतोलिएशन कमेटी के अब्दुल्ला साहब अपनी पूरी टीम के साथ पूरा लगे रहते हैं। मुबारकबाद के मुस्तहक अब्दुल्ला साहब, इस बार भी आप मेहनत करेंगे। हमारे बीच में खैरुल बशर साहब आए हैं, दसवीं आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर साहब। पहली बार मैं चाहता हूँ, और एक गुजारिश हमारे आदिल अमीन साहब यहाँ पर है, आप अपनी टीम के साथ जैसा की रहमत नगर में उस तरह पूरा आप लगे रहते हैं, निजामपुर में हम लोगों के ऐसे हालात क्यों आए कि हम मस्जिद और मजारों को ढकें? जो नासमझी में कुछ नशे में ऐसी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से भी मामला होता है, तो हसन की तरफ से शराब तो बंद ही हो जाती है। जैसे
भक्त प्रहलाद का मसला कि भक्त प्रहलाद को होलिका उनकी बुआ गोदी में लेकर बैठ गई, हिरणा कश्यप आए और जंघा में रख के चीर दिया। किसको भाई, किसको चीरा था बता दीजिए। अपनी बात कहो, इतिहास को पढ़ना होगा कि हमें होली क्या मैसेज देती है, भक्त प्रहलाद क्या मैसेज देते हैं। ये शांति का विजय का पर्व है, हम उसको शांति से मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को होली के पावन शुभ अवसर के पहले तो हार्दिक बधाई। दूसरा, चूंकि होली शांति का त्यौहार है और भाई साहब ने अभी बताया कि अगर कुछ वहां पे क्षतिग्रस्त है उसको विशेष ध्यान दे दिया जाए। दूसरा, बिजली पानी चूना सारी व्यवस्थाएं नदियों की तरफ से हर साल होती हैं, उसकी व्यवस्था हो जाए। जगह जगह पर टैंकर लगाए जाते हैं, उसकी व्यवस्था हो जाए। दूसरा, घासी कटरा से लेकर के जाफरा हो जाता है, खासकर पुलिस विभाग की व्यवस्था अपने हिसाब से देख ली जाए, क्योंकि वहीं ज्यादा व्यवस्था रहती है। इस वजह से और तो कुछ विशेष नहीं है, बाकी सभी लोगों को हार्दिक बधाई। पुनः होली की एक आदमी कहीं से कोई बदतमीजी करता रहा बेनी ईदगाह के साथ, वो स्पेशल कभी चुना रंग डाले था और रंग डाले की कोई दिक्कत नहीं, किसी को आपत्ति थी। उसने गाली शब्दो से ली देता पिछकारी की, वो गैस वाली पिछकारी थी उससे ली देता था, उसके बाद वहां प्रशासन की तरफ से चूना और कुंची की आती है, रखा जाती है कि अगर कोई ऐसा आपको बेहतर करता है उसको हम खोद देते हैं। नहीं, पर बड़ी बात है, हमारा नहीं बात है,